तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है Redmi Note 10 Pro और आज इसके अंदर जो है हम मी वाई वी एन रोम यूज कर रहे हैं जो कि लेटेस्ट 21.8.4 वन पॉइंट पीटा के ऊपर बेस्ड है आपको काफी सारे इसके अंदर लेटेस्ट फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको आगे चल के 13 के अंदर देखने को मिलने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में हम इसी रोम के बारे में बात करने वाले हैं तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो ऑल स्पेक्स में आपको दिखा देता हूं कि आप देख होंगे, लेटेस्ट जो आपको इसके अंदर लॉन्चर आपको, आपको देखने को मिलता है जिसमें आपके सारे के सारे जस्ट जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं कंट्रोल सेंटर भी इवन जो है आपको बिल्कुल लेटेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है विद नोटिफिकेशन पैनल और साथ ही साथ कंट्रोल सेंटर आप इस तरीके से पे यूज कर सकते हैं स्वाइप अप एंड होल्ड करते हैं तो आपको रिसेंट यहाँ मिल जाते हैं ऊपर आपको फ्लोटिंग विंडोज का भी ऑप्शन पे मिल जाता है फ्लोटिंग विंडोज में आपको नए एनिमेशन प्रोवाइड किए हैं ये देखिए फ्लोटिंग विंडोज में अब जो आप सेंटर पर ड्रॉप करते हैं तो वो वाला एनिमेशन जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जो कि परफेक्टली इस टाइम पे काम करता है अगर कुछ और फीचर्स की बात की जाए तो आपको इसकी होम सेटिंग्स के अंदर जो है काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं आप मोर में जाएंगे तो आपको इसके अंदर आप विद एप ड्रॉ यूज कर सकते हैं गूगल डिस्कवर ये ऐप वॉल्ट को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं आपको जो है इसके स्क्रीन लेआउट में काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं फोर बाई सिक्स से लेके आपको नीचे सेवन बाई सेवेंटीन तक के आपको लेआउट के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं आप अरेंज आइटम्स इन रिसेंट पैनल वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है शो मेमोरी स्टेटस ब्लर ऐप रिव्यूज या शो सजेशन को आप इनेबल या डिसेबल यहाँ पे ईजिली कर सकते हैं तो ये सारे फीचर तो आपको इसकी होम स्क्रीन मिलती है राइट साइड पर हमने गूगल डिस्कवर को यहाँ पे सेटअप कर रखा है तो हम इसके अंदर गूगल डिस्कवर को भी ईजिली यूज कर पा रहे हैं कुछ और फीचर्स की बात करें तो उसके अंदर चलने से पहले मैं आपको कैमरा दिखा देता हूँ कैमरा वही आपको लेटेस्ट जो है मीओवाई का ये देखने को मिलता है जिसमें आप मोर में जाएं तो आपको ब्लॉग मोड एआई वाटर मार्क क्लोन मोड ये सारे के सारे मोड जो है यहाँ पे वर्किंग आपको देखने को मिलते हैं प्ले स्टोर का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाता है बट डिवाइस नॉट सर्टिफाइड है बट उसको आप रूट करके फिक्स कर सकते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप इस रोम को रेडमी नोट टेन प्रो या रेडमी नोट प्रो मैक्स इंडियन वर्जन दोनों पे ही यूज कर सकते हैं अगर हम कॉलिंग की बात करें तो आपको अगर आप देख पाए तो इसका लेकिन यहां पर दिया गया आप इसमें भी काफी सारे चेंजेस कर सकते हैं तो अपलाई करने के लिए आप सेटिंग्स में जाइए यहां आपको एडवांस देखने को मिलती है यहाँ आपको पांच ऑप्शन मिलते हैं जैसे डिस्प्ले एंड कंट्रोल सेंटर स्मार्ट मोबाइल नेटवर्क एंड टाइम स्टेटस बार होम स्क्रीन और फोन एंड कॉन्टेक्ट फोन एंड कॉन्टेक्ट में ये आप सारे चेंजेस कर सकते हैं कि जैसे बटन इन वन रो कर सकते हैं आप स्पीकर फोन और की बोर्ड को जो है टेक्स्ट या आइकन्स में यहाँ पे चेंज करते हैं बट उसके लिए आपको एक बार फोन को रिबूट करना पड़ेगा आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कॉन्टेक्ट एड कॉल म्यूट इन सबको हाइड कर देते हैं कॉल कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं किस तरह कलर लेआउट चाहिए आपको वो चीजें करते हैं बैकग्राउंड पॉपअप विंडो फुल स्क्रीन फोटो ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं बल्कि अपनी इमेज को भी एज ए बैकग्राउंड यहाँ पे यूज कर सकते हैं चॉइस टू बैकग्राउंड पर जाइए और अपनी गैलरी या फाइल में जैसे आप अपने बैकग्राउंड को भी यहाँ पे यूज करते हैं कॉल लॉक के भी कलर्स को चेंज करते हैं और मैक्सिमम ब्राइटनेस का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है यही नहीं और भी ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे डिस्प्ले एंड कंट्रोल सेंटर में आप काफी सारे जो है कंट्रोल सेंटर के अंदर चेंजेस कर सकते हैं कि आपको सिंगल स्विच चाहिए डबल स्विच आपको वेदर सिटी शो डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सब चीजें चाहिए कि नहीं तो कस्टमाइजेशन आपको काफी सारा इस रूम के अंदर प्रोवाइड किया गया है स्मार्ट मोबाइल नेटवर्क में जाके आप स्मार्ट मोबाइल नेटवर्क के फीचर्स यूज करते हैं जैसे स्मार्ट मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन टाइमर स्लीप मोड ऑफलाइन ये सारी चीजें मिल जाती हैं आपको इन सब को ईजिल आप एक्सेस कर पाएंगे स्टेटस बार में आप स्टेटस बार के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं आपको इसके अंदर डिफॉल्ट स्टाइल वन स्टाइल टू देखने को मिलता है देख देख पा रहे होंगे डिफॉल्ट में जो है आपको सारे नेटवर्किंग आइकन जो है राइट right साइड पे और नोटिफिकेशन है लेफ्ट साइड पे अगर स्टाइल वन हम कर देते हैं तो स्टाइल वन में देख पा रहे होंगे आप जो नोटिफिकेशन है वो राइट right साइड पे चले गए हैं और जितने भी हमारे नेटवर्किंग आइकन्स थे वो आपको लेफ्ट साइड पे हैं और स्टाइल टू में आपको एक अलग तरीके के नोटिफिकेशन पैनल जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है तो इन सब चीज़ों को यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं और भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे बैटरी आइकन को कौन से चाहिए रेक्टैंगल एलि चाहिए आपको कलर बैटरी इंडिकेटर नेटवर्क टाइप ये सब चीज़ों को आप यहाँ पे स्टेटस बार में मैनेज कर सकते हैं होम स्क्रीन के अंदर जाए तो आपको इसके अंदर डिसेबल रिबूट का भी ऑप्शन मिल जाता है कि यानी कि एडवांस रिबूट नहीं चाहिए आपको जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हम इस टाइम पर कुछ इस तरीके का आपको रिबूट मेनू देखने को मिल रहा है जो हम स्टाइल मी वाई थर्टीन का यूज़ कर रहे हैं अगर आपको कोई और चाहिए तो आप उसको भी यहाँ से यूज कर सकते हैं यदि काफी सारे आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है जो भी आपको पसंद है उसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं अगर आपको डिफॉल्ट म्यूवाई का चाहिए तो जो डिफॉल्ट ऑप्शन होता है उस पर चले जाइए तो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अगर आपको लगता है आपको म्यूवाई थर्टीन का चाहिए तो आप म्यूवाई थर्टीन को अप्लाई करके उसको यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं एडवांस में आप आइकन कैप्शन को हाइड कर सकते हैं शेडोज को रिमूव कर सकते हैं लेबल्स को रिमूव कर सकते हैं आईकन के ऊपर रिफ्लेक्शन वगैरह ये सब चीजें आप कर सकते हैं डबल टैप और स्वाइप अप को भी यहाँ पे आप इजिली इसके अंदर सेटअप कर पाते हैं तो ये सब चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है काफी सारे एडवांस फीचर्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए यही नहीं आपको और भी काफी सारे इसके अंदर फीचर्स देखने को मिलते हैं देखिए हम गैलरी में जाते हैं गैलरी में मैं आपको कुछ फीचर्स आपको जरूर दिखावना चाहूंगा गैलरी में आप जाएंगे तो रिकमेंडेड में आपको यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स मिल जाता है आपको आर्ट का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप किसी इमेज के अंदर जो है काफी सारे इफेक्ट्स दे सकते हैं जैसे स्केच वाटर कलर आर जी बी ब्लाइंड फॉगी विंडो ये सब आप दे सकते हैं आप आईडी को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे अपनी मैजिक टूल में जाके तो आप किसी भी फोटो को जाके वहाँ पे एडिट कर सकते हैं और उसके बैकग्राउंड को कम्प्लीटली जो है चेंज कर सकते हैं उसमें एक ब्लर इफेक्ट दे सकते हैं और या फिर उसके कंप्लीटली जो है बैकग्राउंड को भी आप रिमूव कर सकते हैं और साथ ही साथ स्काई मोड के अंदर भी आपको काफी सारे फिल्टर्स जो है यहाँ पे इसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं किसी भी फोटो को पहले ही एक्सेस करने से पहले थोड़ा सा टाइम लेता है उसके बाद जो है आप इसके बैकग्राउंड को ईजिली यहाँ से चेंज कर सकते हैं तो ये देखिए इसके बैकग्राउंड को हम चेंज करना चाहें तो इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं या कोई भी बैकग्राउंड जो है जो आपको यहाँ नीचे देखें उनसे आप जो है अपनी पिक्चर्स को यहाँ पे कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं काफी सारी जो लिस्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है तो ये सब चीजें जो है आपको इसके अंदर यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं गैलरी के अंदर तो गैलरी फुल्ली अपडेटेड है लॉन्चर भी फुली अपडेट है काफी स्मूथ तरीके से काम कर रहा है आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो है जरूर आपको इसके अंदर प्रोवाइड किए हैं सारी चीजें परफेक्ट तरीके से आपको यहाँ पे काम करती हुई मिल जाती हैं हाँ इस रोम को यूज करने के लिए आपको अपने फोन को रूट करना जरूरी है अदरवाइज इसके काफी सारे फीचर्स जो हैं आप यूज नहीं कर पाएंगे और रोम को बूट भी नहीं कर पाएंगे तो अब सेटिंग्स में कुछ और फीचर्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ वही आपको वाल पेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर मिल जाता है आप एओडी और सुपर पेपर से यहाँ पर सपोर्ट आपको यहां प्रोवाइड किया गया है जहां पे आपको काफी सारे सुपर वॉल का सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है तो आप उनको यूज कर सकते हैं आप नोटिफिकेशन में आपको नेचर मिक्स के टोन्स जो है यहाँ पे प्रोवाइड की गई है आप इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती है हाँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है अभी भी आपको इसके अंदर टेन सेकंड का ही देखने को मिला है बाकी हम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसे मैंने आपको बताया आपको उसके अंदर ये टेन सेकंड का ही देखने को मिलता है ये देख पा रहे होंगे आप सिर्फ टेन सेकंड के लिए ही ये काम करेगा वो ऑप्शन इसके अंदर अभी भी आपको देखने को मिला है बाकी आपको लॉक स्क्रीन फॉर्मेट या चार्जिंग एनिमेशन जो आप चेंज करना चाहें बैटरी के अपने उनको भी आप यहाँ चेंज कर सकते हैं डिस्प्ले में जाए तो वही आपको लाइट मोड डार्क मोड मिल जाता है रीडिंग मोड कलर स्कीम्स को आप चेंज कर पाते हैं यहाँ पे और तो जिस तरीके से रिफ्रेश रेट का ऑप्शन आपको यहाँ प्रोवाइड किया गया है आप यूआई के फॉन्ट्स यूज करते हैं फॉन्ट सेटिंग्स में जाके आप उसमें बोल्ड इफेक्ट्स जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं ये चीजें आपको प्रोवाइड की है साउंड एंड वाइब्रेशन में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसके अंदर जो है साउंड असिस्टेंस का ऑप्शन दिया गया है साथ ही साथ अगर साउंड इफेक्ट्स में जाए तो आपको डॉल बी एटमोस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है इवन जैसे हमने गैलरी के अंदर वीडियो टूल बॉक्स को इनेबल कर रखा है तो वहाँ पे भी आपको जो है लेटेस्ट मी वाई थर्टी का ही टूल बॉक्स देखने को मिला है आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है टू के स्केल करना है वीडियो वगैरह को अपने जो करते हैं आप वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है ये चीजें मिल जाती है डॉल्बी एटमोस को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं तो ये सब चीजें भी आपको इसके अंदर इस, इस रोम के थ्रू प्रोवाइड की गई हैं तो डिस्प्ले में काफी सारे फीचर्स हैं उसी तरीके से साउंड एंड नॉर्मर्स में होम स्क्रीन आप देख ही चुके हैं वॉल पेपर्स में आपको सुपर वॉल पेपर्स और थीम स्टोर जो है आपको चाइनीस का ही यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट परफेक्टली काम कर रहे हैं बट सिक्योरिटी का भी ऑप्शन नया यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है जिसके अंदर आप स्क्रीन लॉक यूज करते हैं शटडाउन के लिए लॉक यूज कर सकते हैं पॉइंट डिवाइस सिम सिक्योरिटी ये सारी चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं तो काफी सारे जो है प्राइवेसी के प्रोडक्शन जो है आपको इस रोम के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं जो कि आगे चल के आपको मीवाई थर्टीन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं उसी तरीके से एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा अगर प्रीवेसी में जाए तो प्रीवेसी भी फुल्ली अपडेटेड है जिसमें आपको अवेयरनेस और प्रोटेक्शन के दो टैब देखने को मिल जाते हैं जिसको आप यहां से यूज करते हैं आप प्रीवेसी के अंदर जाए तो रिसीव नोटिफिकेशन विदाउट एप बिहेवियर ये भी आपको देखने को मिल जाता है तो ऑलमोस्ट जो भी मीवाई थर्टीन के फीचर्स जो है आगे चल के आपको तो देखने को मिलने वाले हैं वो इस सभी के सभी जो है इस रूम के अंदर इंप्लीमेंट कर दिए गए उसी तरीके से अगर आप बैटरी के अंदर जाएं तो बैटरी का लेआउट भी नया है जिसमें आप देख पा रहे होंगे आपको पावर मोड के कुछ स्लाइडर्स मिलते हैं यहाँ पे आप पावर मोड पर जा सकते हैं बैलेंस मोड पर जा सकते हैं परफॉर्मेंस मोड पर आप यहाँ से जा सकते हैं तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं बाकी एप्स के अंदर जाए तो वही आपको सिस्टम ऐप सेटिंग्स मैनेज एप्स इंस्टॉल सिस्टम ऐप्स ये चीजें आपको यहाँ पे एप्लॉक वगैरह देखने को मिल जाता है एडिशनल सिटीज में आप फोन स्क्रीन जस्टिस को यहाँ पे यूज कर पाते हैं ये चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं आपको यहाँ पे मेमोरी एक्सटेंशन का भी ऑप्शन मिला है जिससे जो है आप फोर जीबी एक्स्ट्रा रैम जो है अपने फोन के अंदर इसके अंदर यूज कर सकते हैं तो ये ऑप्शन भी आपको इस रूम के अंदर प्रोवाइड किया गया है बाकी अगर स्पेशल फीचर्स की बात करें तो आप वीडियो टूल बॉक्स देख चुके हैं गेम टर्बो में आपको दिखाता हूं गेम टर्बो के अंदर काफी एडवांस फीचर्स जो नए फीचर्स जो हैं वो सभी के सभी जो है इसके अंदर इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं तो एक बार हम बीजीएमआई को गेम को लॉन्च करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरीके से काम करते हैं तो ये देखिए बीजीएमआई के होम पेज पे हम आ चुके हैं अगर हम ग्राफिक्स की बात करें तो मैं आपको ग्राफिक्स दिखा देता हूँ आप स्मूथ में अल्ट्रा तक जा सकते हैं बैलेंस में भी अल्ट्रा और एच पे आप हाई पे और एच पे आप नहीं जा सकते अब गेमिंग बूस्टर की बात करें तो वही आपको यहाँ पे स्लाइडर्स मिल जाता है फ्लोटिंग विंडोज के लिए जिनको आप यहाँ पूछते हैं मीवाई थर्टीन का गेम टर्बो जो है आपको यहाँ प्रोवाइड किया गया है ऊपर आप इसके अंदर बैलेंस मोड या परफॉर्मेंस मोड इसके अंदर खेल सकते हैं सभी के सभी ऑप्शन जो है आपको इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं आप इसके अंदर जो है ब्राइटनेस वाईफाई सिम स्विच कुछ कर सकते हैं स्क्रीन शॉट स्क्रीनकॉड ये ऑप्शन तो कर ही सकते हैं आपको का भी प्रोवाइड किया गया है आपको यहाँ पे टाइमर्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, तो ओवरऑल मीवाई थर्टीन के सभी फीचर्स जो हैं इसके अंदर इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं अगर बेंच मक स्कोर की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे आपको जो बेंचमर्क स्कोर मिलता है थ्री टू एट जीरो फोर टू के आसपास यहाँ पे देखने को इस रूम के अंदर मिल चुका है अगर सीपीयू थ्रोटलिंग की टेस्ट की बात की जाए तो आप देख पा रहे होंगे 85 के आसपास की जो है एवरेज जो है इसने पे प्रोवाइड की है यहाँ पे तो कुछ इस तरह का रिजल्ट जो है पे सीपीयू का यहाँ पे आपको देखने को मिला है तो इस रूम की जिप फाइल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद जो है ये सभी के सभी म्यूवाई थर्टीन के जो फीचर्स हैं आप अपने फोन के अंदर यूज कर सकते हैं आपको सिर्फ क्या करना है फोन का बैकअप जरूर ले लीजिएगा आपको एक बार सारे अपने पार्टिशन को वाइप करना है उसके बाद आप रोम को फ्लैश करेंगे और लेटेस्ट मैजिक मैनेजर की जिप फाइल को और इसको रीबूट सिस्टम कर देंगे अगर आपका फ़ोन रीबूट नहीं होता बूट लूप पे जाता है ये रिकवरी पे तो आपको एक बार फॉर्मेट डाटा और यस करना पड़ेगा और उसके बाद जो है ये सभी फीचर्स जो है आप अपने फ़ोन के अंदर इंजॉय कर पाएंगे तो इस तरीके से जो है आप ये लेटेस्ट जो रोम है लेटेस्ट बीटा वर्जन के ऊपर जो रेडमी नोट टेन प्रो और रेडमी नोट टेन प्रो मैक्स के यूजर्स जो हैं अपने फ़ोन के अंदर यूज कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा साथ ही साथ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय